नमस्कार तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग अबू धाबी टी ट्वेंट का यहाँ पर जो अगला मुकाबला होने वाला जो कि फ्रेंड्स आज के दिन का दूसरा मुकाबला होगा ये मुकाबला यहाँ पर चेन्नई ब्रेव वर्सेस दिल्ली बुल्स के बीच में खेला जाएगा तो इसकी हम लोग ये बात करने वाले हैं तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस वाले मुकाबले में स्मॉल लीग ग्रैंड लीग कहीं पर इन्वेस्ट आप लोग करने का सोच रहे हो तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में लॉजिकल एनालिसिस करेंगे आपको बता दो फ्रेंड्स यहाँ पे दिल्ली बुल्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है तो इनके लिए मैच फ्रेंड्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा वहीं मैं बात करूँ चेन्नई ब्रेव्स की जो टीम है वो ऑलरेडी बाहर हो चुकी यानी कि जो चार टीमें क्वालिफाई करनी थी वो ऑलरेडी कर चुकी फ्रेंड्स और दो टीमें बाहर हो चुकी है जिसमें फ्रेंड्स यहां पे देखोगे चेन्नई ब्रेव्स का जो नंबर है वो सबसे नीचे यानी कि टोटल छह टीमें फ्रेंड्स अबू धाबी टी में इस बार खेली थी छठवे पोजीशन पर आपको यहां पे चेन्नई ब्रेव्स की टीम देखने को मिलेगी जिन्होंने फ्रेंड्स सिर्फ एक ही मुकाबला अभी तक विन किया बाकी जितने भी मुकाबले इन्होंने खेले सारे के सारे मुकाबले इन्होंने हारे हैं ठीक है दिल्ली बुल्स की बात करूं तो फ्रेंड्स इनका फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे चेन्नई ब्रेव्स तो आप लोग मान सकते हो कि यहां पर मुकाबला वन साइडेड होगा तो टॉस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला कैसे होने वाला मैं आपको समझा देता हूं अगर फ्रेंड्स यहां पे पहले बैटिंग करेगी दिल्ली बुल्स की टीम तब आपको किस टाइप का कॉम्बिनेशन बनाना आपको दिल्ली बुल्स के जो बैट्समैन है ना आप लोग फर्स्ट राउंड तक के बैट्समैन ले सकते हो फर्स्ट राउंड राउंड सेकंड तक इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बैटिंग आ पाएगी में तो सेकंड राउंड तक के बैट्समैनों पे आप लोग फोकस कर सकते हो और यहां पे जो ओपनर है दिल्ली बुल्स के उनको आप लोग मैक्सिमम कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो क्योंकि उस टाइम पर आपको जो एवरेज स्कोर है वो अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है ठीक है वही अगर चेन्नई ब्रेव पहले बैटिंग कर रही है ठीक है तो उसके करना दिल्ली बुल्स के जितने भी बॉलर है ना उनको आपको मैक्सिमम टाइम कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना क्योंकि क्या होगा चेन्नई ब्रेस जो टीम है वो छोटे से स्कोर पर भी ऑल आउट हो सकती है या फिर पे क्या के गिर सकते हैं तो उस टाइम पे आपकी टीम कॉम्बिनेशन में दिल्ली बुल्स के सारे के सारे बॉलर होने चाहिए और कैप्टन वाइस कैप्टन में आपको दिल्ली बुल्स के बॉलरों के ऊपर ही मैक्सिमम आपको ट्राई करना चाहे स्मॉल लीग खेलो चाहे आप लोग ग्रैंड लीग खेलो ठीक है तो सिंपली सात चार का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे बनाना इस वाली जो ये वाला मुकाबला आप लोग खेलोगे सात प्लेयर दिल्ली बुल्स की तरफ से लेना चार प्लेयर आप लोग यहाँ पे चेन्नई ब्रेव्स की तरफ से पिक करना क्योंकि मुकाबला वन साइडेड होगा चाहे बैटिंग फर्स्ट करेगी दिल्ली बुल्स की टीम चाहे सेकंड करेगी तब भी जीतने के चांस पे जो हाईली बने हैं वो पे दिल्ली बुल्स के ही बने

कोई टीम बॉलिंग फर्स्ट करी यहां पे चाहे नहीं अगर बॉलिंग फर्स्ट करी फ्रेंड्स पे चेन्नई ब्रेव्स की टीम तो थोड़ा सा टक्कर दे सकती है हम ये नहीं कहेंगे कि चेन्नई ब्रेव्स उस केस में विन करेगी लेकिन टक्कर दे सकती है उस केस में ठीक है अगर दिल्ली बुल्स की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो सिंपली यार मुकाबला आपको डेफिनेटली नाइन नाइन परसेंट वन साइड आपको देखने को मिलेगा तो यही चीज आपको यहां पे एक्सपेक्ट करनी है ठीक है बाकी फ्रेंड्स आपको क्या करना है ग्रैंड के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बनाने सारे की सारी चीजें आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिए वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में जाकर लाइक आप लोग कर देना और फाइनल टीम के लिए सभी भाई लोग टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में पिन किया मिल जाएगा वहां से जाके आप लोग टेलीग्राम पर जो हमारा रिसेंट रिजल्ट है फ्रेंड्स ना उसको भी आप लोग जाके देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोगों ने रिसेंटली जितने भी मुकाबले खेले यहाँ पे टी के तो सारे के सारे का प्रूफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे रिसेंटली दस मैच देखोगे दस में से फ्रेंड्स सात या आठ मुकाबले हम लोगों ने अल्ट्रा क्लीन क्लीनशिप के आपको पता टी टेन में फ्रेंड्स दस से सात आठ मैच विन करना काफी बड़ी बात है जिसका प्रूफ आप लोग टेलीग्राम पर आकर चेक कर सकते हो जो भी हमारी विनिंग्स है आप लोग मिनी में में भी देखिए फ्रेंड्स पे मेंबर में, हमारी जो स्मॉल लीग की टीम उस तो है उससे सेकंड रैंक आई है ठीक है तो इस टाइप के टीम कॉम्बिनेशन आपको यहीं इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना टेलीग्राम को भी आप लोग को ज्वाइन कर लेना ठीक है अभी हम बात करेंगे सीधे जो हम टीम बनाने वाले हैं तो चलिए फ्रेंड्स पे सिंपली हम लोग टीम को यहाँ पे बना लेते हैं तो फ्रेंड्स देखोगे आप लोग जो मैंने स्मॉल लीग की टीम अभी बना के रखी है सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किन किन प्लेयरों को चूज करना एक बार हम लोग यहाँ पे प्लेयर वाइज एनालिसिस भी कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहां पे जो तीन विकेट कीपर है ना इनको आपको लेकर चलना ही चलना भानु का पक्सा मोहम्मद सहजाद दोनों के दोनों आपको बताया बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं यहाँ पे चेन्नई ब्रेव्स की तरफ से मैं बात बाहर यहाँ पे मोहम्मद सहजाद की तो फ्रेंड्स लास्ट सेकंड मैच आपको याद होगा इस बंदे ने फिफ्टी रनों की बहुत अच्छी इनिंग खेली थी उससे पहले फ्रेंड्स इसने टीम अबू धाबी के सामने फिफ्टी रन बनाए ठीक है उससे पहले बंगला टाइगर के सामने थर्टी टू रन बनाए तो लास्ट के तीन मैचों के बेस बेचे फ्रेंड्स हम लोग बिल्कुल भी इसको ड्रॉप नहीं कर सकते बहुत इंपॉर्टेंट

काफी इंपॉर्टेंट है आपको पता है दयाल और पे एंजेलो परेरा ये कभी कभार बॉलिंग भी करा लेते हैं थोड़ा सा एक चेंज आप लोग कर सकते हो एंजलो परेरा की जगह पे आप लोग चाहो अगर यहाँ पे खिंचित साह खेलेंगे तो इनके साथ आप लोग जा सकते हो या फिर यहाँ पे कोई नया प्लेयर खेलता है इनकी तरफ से जैसे टियोन वेबस्टर वगैरह तो इनको आप लोग यहाँ पे चाहो तो पिक कर सकते हो ठीक है ल्यूक राइट इंपॉर्टेंट होने वाले ओपन करेंगे फ्रेंड्स तो इनको लेना बनता ही बनता है ठीक है बाकी आप लोग देखोगे अगर कोई और प्लेयर खेलता वैसे दिल्ली बुल्स की तरफ से तो आपको ये ओपनर ही काफी है मेरे हिसाब से बाकी बॉलरों पर ही आपको मैक्सिमम फोकस करना बात करेंगे हम लोग अब ऑलराउंडर सेक्शन की यहाँ पर रोमोरियो शेफर्ड और यहाँ पे डवेन ब्रावो के साथ में गाऊँ डोन ब्रावो को लास्ट के मैच में आपको बताया दो विकेट निकाले थे उससे पहले इनका फॉर्म कुछ खास नहीं था एक चेन्नई ब्रेव्स के सामने इन्होंने पहले भी दो विकेट निकाले तो इसीलिए मैं आज के मैच के लिए भी पे इनको पिक करके चल रहा हूं ठीक है यहां पे फ्रेंड्स रोमारियो भी इंपॉर्टेंट होने वाले आपको है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों जगहों से आपको अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन करके दे सकतेटें हैं ठीक है ये, बात करेंगे पे 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 बॉलिंग सेक्शन डोमिनिक ट्रैक्स आदिल राशिद और सहबाज अहमद के साथ में गया हूं आपके पास और ऑप्शन पे आर वॉलकर एफ हक अगर खेलेंगे तो इनको आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो बाकी फ्रेंड्स आप लोग देखोगे यहाँ जो सिनवारी वगैरह है जो प्लेयर है ना फ्रेंड्स पे चेन्नई ब्रेव्स के बॉलर और ऑलराउंडर उनको आपको मैक्सिमम रोटेशन वगैरह करना जैसे एक प्लेयर एक बार आप लोगों ने एक टीम में पे आर वॉलकर को ले लिया दूसरी टीम में सिंपली डी लक्षन को ले लिया इस तरीके से स्माल लीग को भी विन करा के देंगे ठीक है सिंपली कैप्टनसी के लिए मुझे बेस्ट बंदा लगा वाइस कैप्टन मैंने यहां पे रहमुल्ला गुरबाज को दिया अगर पहले बैटिंग करेगा यहाँ पे दिल्ली बुल्स तो आप गुरबाज को कप्टनसी भी दे सकते होप्टनसी में आप लोग यहां पे सैफ को दे सकते हो ठीक है इनकी तरफ से दिल्ली बुल्स की तरफ से आप लोग को कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि कि हर किसी के आज चलने के चांस मुझे दिख रहे हैं ठीक है दिल्ली बुल्स की तरफ से खासकर तो दिल्ली बुल्स की तरफ से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन मैक्सिमम ट्राई करना है ठीक है ग्रैंड की बात करें ग्रैंडिंग में आपको क्या करना है सिंपली एक टीम में हम लोग यहां पर सहजाद को ड्रॉप करेंगे सहजाद की जगह पे हम लोग यहां पर रवि बुपारा को ले लेंगे बाकी हम लोग इधर से जाएंगे फ्रेंड्स एंजिलो परेरा को ड्रॉप करेंगे इनकी जगह पे अगर यहाँ पे टीन वेबस्टर वगैरह खेलेंगे तो इनको हम लोग यहाँ पे पिक कर लेंगे ठीक है इस टाइप से हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बना लिया अब कप्टेंसी वाइस कप्टेंसी की बात आती है तो कैप्टनसी हम लोग यहाँ पे आदिल राशिद को दे देंगे काफी टाइम से मतलब उतने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई उतने अच्छे विकेट नहीं मिले तीन तीन चार चार विकेट एक्सपेक्ट करते थे हम पहले इनसे लेकिन उस लेवल की बॉलिंग भी आप नहीं करा रहे तो आज कम की उम्मीद करेंगे सामने जो वीक टीम है तो इनके सामने हो सकता है ये भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करें यहाँ पर ल्यूक राइट को हम लोग वाइस कैप्टनसी दे देंगे ठीक है सिंपली पहले हमारी ग्रांडी की टीम कुछ इस तरीके से बन गई दूसरी ग्रांडी की टीम बनाएंगे पहली टीम में हम लोगों ने किसको ड्रॉप

अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं ठीक है तो हमारा एक कॉम्बिनेशन ये बन गया ग्रैंड निक का बाकी दो और कॉम्बिनेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम के ऊपर यानी कि टेलीग्राम को आपको फ्रेंड्स टेलीग्राम पर आपको टोटल पांच टीमें ग्रैंड निक की मिलेगी एक स्मॉल लिख की आपको मिलेगी तो टेलीग्राम को यार सभी लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना तो फ्रेंड्स आपको अगर आप जाकर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना पहली बार चैनल तक पहुंचे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर देना और फ्रेंड्स यार वीडियो को भी शेयर कर सकते हो तो शेयर कर लेना तो मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों को इस मैच का बहुत सारा गुड लक